अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये वीडियो SSC JEE 2017 के लिए है। वो स्टूडेंट जिन्होंने सिविल से बीटेक किया है या जिन्होंने डिप्लोमा किया है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स। आप अगर 2016 में बैठ चुके हैं एग्ज़ाम्स में और आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो डोंट बॉदर अबाउट दैट। अच्छे से तैयारी करिए, नए तरीके से तैयारी करिए, आपकी पुरानी प्रिपरेशन आपको आगे ज़रूर काम आएगी, क्योंकि आंसर कीज आ गई हैं और आपने अपने मार्क्स तो चेक कर लिए ही होंगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए और बहुत अच्छे से करिए। ये वीडियो आपको अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। और आप हमारे साइट्स को या हमारे वीडियोस को चेक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको नए वीडियोस, नए ट्रिक्स आपको इस साइट पे मिलते रहेंगे। हम अब सबसे पहले बात करते हैं SSC JEE के नए पैटर्न की। इस समय SSC JEE ने अपना पैटर्न चेंज किया है, सारे ऑफलाइन मोड्स के एग्ज़ाम्स वो ऑनलाइन मोड में कराने लगी है। सो आप अपनी तैयारी ऑनलाइन पेपर के अकॉर्डिंग करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नए पेपर्स या नए क्वेश्चंस या नई चीज़ें हुई हैं कुछ, बस पेपर जो है वो ऑनलाइन होने लगा है और पूरा पैटर्न सब कुछ सारे तरीके वही हैं। 50 क्वेश्चंस आपके GS क्वेश्चन से आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से आएंगे और 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। सो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। आपको कुछ हवा मिलेंगे, आपको पर्टिकुलर उसी आवर में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके लिए जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है अपनी, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस ज़रूर देखिए। सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चंस या कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं या कौन से नहीं आने हैं। सो प्लीज़ आफ्टर दैट स्टार्ट विद कन्वेंशनल पार्ट ऑफ द टेक्निकल पोर्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की है तो प्लीज़ और प्लीज़ कन्वेंशनल पोर्शन या टेक्निकल के स्टार्ट करिए। टेक्निकल का जो भी कन्वेंशनल पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप ऑब्जेक्टिव या जो भी एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते हैं। आप अगर लास्ट में ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रट कर जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी चीज़ें चेंज कर दी तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ 2016 के एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, प्लीज़ डोंट लॉस योर टाइम। आप उस बारे में मत सोचिए बिल्कुल, जो भी हुआ अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। लास्ट अटेम्प्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड देन डोंट बॉदर अबाउट दैट। कोई नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। एंड वन थिंग, प्लीज़ एप्टीट्यूड एंड GS से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी मत करिएगा। स्टार्ट में आपको सबसे पहले अपना कन्वेंशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक टाइम लिमिट बना लीजिए। इतने महीनों या इतने मंथ तक आपको कन्वेंशनल देखना है, इतने मंथ तक आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, एंड आफ्टर दैट दिस। तो आप जब कन्वेंशनल पोर्शन पूरा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद अगले नेक्स्ट मंथ्स में आप अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप कन्वेंशनल सफिशिएंट या अच्छे वे में पढ़ रहे हैं तो आपके बेसिक्स 100% श्योर हैं कि आपके बेसिक्स जो हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। आपको अच्छे से आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या क्वेश्चन यूज़ करना है। जब आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे होंगे, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोडल रिकमेंडेशन ज़रूर ज़रूर पढ़िए। दो कोड हैं, स्टील का और RCC का। प्लीज़ उन दोनों कोड्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको कोडल रिकमेंडेशन या वो पार्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। एंड द लास्ट सम मंथ्स या लास्ट मंथ्स के कुछ मंथ्स पहले एग्ज़ाम्स के आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाइए, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मार्केट में बहुत तरह के बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले लीजिए और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स जब पूरे हो जाएं या ऑब्जेक्टिव पार्ट्स के साथ ही
आप अपने कुछ टाइम जीएस और एप्टीट्यूड पे दे सकते हैं। एवरी डे आप अपना एक डेली का रूटीन बना लीजिए, या डेली बेसिस पे आप जीएस के कुछ क्वेश्चंस लर्न करिए, एंड आफ्टर सम डेज प्लीज़ रिवाइज दैट। क्योंकि अगर आप नहीं रिवीजन करेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है चार दिन पहले आप भूल जाएंगे। तो उसे पढ़िए और उसे रिवीजन करिए, उसके साथ एप्टीट्यूड सॉल्व करिए एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो फॉर टेक्निकल। लास्ट के एक मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। आप अलार्म के साथ बैठिए, टाइम लिमिट रखिए और उन क्वेश्चंस को उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप ज़रूर और ज़रूर उन क्वेश्चंस को उस टाइम लिमिट में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास ऑनलाइन पेपर्स में टाइम लिमिट का ध्यान नहीं है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर पेपर छोड़ के आएंगे। और अगर आपने 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी नहीं पढ़े हैं तो वो आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर आपको कराएंगे। आप इसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम्स के पहले आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, पेपर सॉल्व करने हैं जो भी वे मैंने बताया है। कन्वेंशनल पार्ट के साथ स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करने हैं, जीएस पढ़ना है एंड देन आप आपका एप्टीट्यूड। आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। एक लास्ट बात आप लोगों से कहनी है कि डर के मत पढ़िए प्लीज़। डर के पढ़ने से आपका जो भी पढ़ा हुआ है सब भूल जाता है। डू योर स्टडी विथ फन, लर्न द फॉर्मूला कोडल रिकमेंडेशन विद ट्रिक्स। अपने फॉर्मूले को ट्रिक्स के साथ याद रखिए, उसका एक स्मॉल या छोटे नोट्स को उसको एक छोटे नोट्स में बना कर रखिए, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ महेश्वरी सर तो आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ उनके एक सेशन की। उन्होंने अपने एक सेशन में एक बात कही थी कि लाइफ इज़ अ गेम, जिंदगी खेल है। आप उसे टेंशन में मत वेस्ट करिए। एक एग्ज़ाम्स के बाद, एक अपॉर्चुनिटी के बाद अगली अपॉर्चुनिटी फिर आती है, एक मिस होती है दूसरी मिलती है। उन्होंने अपने सेशन में एक बात कही थी कि जस्ट थिंक दैट कि आप खेल के मैदान में खड़े हैं और सामने से बॉलर आ रहा है और आपको पहली बॉल फेंक रहा है, जब फर्स्ट बॉल आती है और मिस हो जाती है, then wait for the next ball with your double preparation. Next ball आती है, shit, वो भी miss हो जाती है। Third ball आती है और वो भी miss हो जाती है। आपको हारना नहीं है, आपको अपनी preparation 4 times ज़्यादा रखनी है। हो सकता है किसी कारण से आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत से कारण होते हैं, पर बस आपको अपनी चीज़ों को, अपने मोटिवेशन को ख़त्म नहीं करना है। कभी तो ऐसी बॉल आएगी जिस पर आपको फिक्स है, बस वेट फॉर दैट मोमेंट। वेट, जिस दिन उस बॉल पे सिक्स होगा, उस दिन हर बंदा आपको समझेगा। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पे होंगे कि आपकी की हुई सारी प्रिपरेशन, उन सारी प्रिपरेशन का आपको एक अलग ही फील होगा। आपको लगेगा कि आपने जो किया आपको वो मिला। फील दैट मोमेंट, ओनली फील दैट मोमेंट। जब आप उस मोमेंट को फील करके पढ़ेंगे ना, तो 100% श्योर आपको कोई, दुनिया का कोई भी इंसान हरा नहीं सकता है।
सो रिमेंबर दीज लाइन्स एंड डू योर